अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़। तो आज मैं आपके सामने करंट अफेयर्स की वीडियो का 9th पार्ट लेकर हाज़िर हुआ हूं। इससे पहले भी मैं 8 वीडियोस और बना चुका हूं करंट अफेयर्स के ऊपर। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का लिंक दे दूँगा, वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। What was the rank of India in the 10th edition of International Intellectual Property IIP Index 2022? तो इसका आंसर है A 43rd। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क विल बी सेटअप इन, इसका आंसर है A Delhi। Operation Ganga is a special evacuation mission launched by the government of India to bring back Indian nationals from which country? तो इसका आंसर है क्या, D, यूक्रेन। आप सबको पता है रशिया यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही थी, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से इंडियंस को वापस लाने का मिशन था। तो आंसर है D, यूक्रेन। Bharti Airtel has decided to acquire an additional %% stake in Indus Towers from Vodafone Group. तो इसका आंसर क्या है, कितना परसेंट इनटेक है? तो इसका आंसर है B, 4.7%। IVRTF स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है A, इमिग्रेशन। स्नेक आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच सी या ओशन? तो इसका आंसर है ब्लैक सी A। ब्लैक सी A इज़ द राइट आंसर। Who has become the first Indian to win a silver in an individual section of the Para Archery World Championships in Dubai, UAE? तो इसका आंसर है D, पूजा जटियान। What does S stand for in SWIFT फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विस? तो S का मतलब क्या है स्विफ्ट के अंदर? स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्विफ्ट की फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो इसका आंसर है B, सोसाइटी। विच एयरपोर्ट इन इंडिया इज़ टू गेट द स्टेटस ऑफ पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट? तो इसका आंसर है D, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इसका आंसर है। Who has been appointed as new chairperson of the Securities and Exchange Board of India? सेबी का new chairperson कौन है? तो इसका आंसर है D, मधाबी पुरी बुच। Which organization will become the first multilateral agency to open an office in Gujarat International Finance Tech Gift City? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका आंसर है D, न्यू डेवलपमेंट बैंक। Recently, Japan and India have renewed the bilateral swap arrangement BSA that was signed in 2018. What is the size ऑफ दिस BSA? तो इसका आंसर क्या है? ये 2018 में साइन हुई थी और इसका आंसर है $75 बिलियन D। इन विच ईयर वाज दी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP लॉन्च्ड? तो 1 से 7 मार्च तक जन औषधि वीक मनाया गया है। तो इसका आंसर है D, 2008। Name the Union Minister of State for Education who has presented National ICT Awards to 49 teachers across the country. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए जिसमें 49 टीचर्स को सेलेक्ट किया गया है? इसका आंसर है C, अन्नपूर्णा देवी। India has secured 8 medals at Singapore Weightlifting International 2022. A total of 12 weightlifters from India qualified for Commonwealth Games 2022. Where will 2022 Commonwealth Games be held? तो इसका आंसर है D, बर्मिंघम, इंग्लैंड। पूजा जटियान, श्याम सुंदर एंड ज्योति बलियान आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा D, आर्चरी। Who has been appointed as the new police commissioner of Mumbai by Maharashtra government? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है B, संजय पांडे। क्रिकेट सोनी रामाधीन who passed away recently represented which cricket playing nation? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है C, वेस्ट इंडीज़। एक्सरसाइज वायु शक्ति इज़ ऑर्गेनाइज बाय इंडियन एयरफोर्स एट एन इंटरवल ऑफ कितने साल पे की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा D, 3 years। इससे पहले ये 2019 में करी गई थी और अब 2022 में करी जा रही है, तो 3 साल पर होती है। सही आंसर है इसका D 3 years। Who has been appointed to lead microblogging platform Twitter's public policy and philanthropy efforts in India and South Asia? इसका आंसर है D समीरन गुप्ता। इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स किसके ज़रिए लॉन्च किया गया है, तो वो कौन सी स्टेट है? इसका आंसर है C चेन्नई तमिलनाडु। Which country has topped the Knight Frank's The Wealth Report 2022 list for most number of billionaires पॉपुलेशन ग्लोबली? तो वेल्थ रिपोर्ट 2022 के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स कहाँ रिपोर्ट किए गए, तो उसका आंसर है A USA, और दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया, तो आंसर है A USA। द 31st साउथ एशियन गेम्स विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा C वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज़ क्रिएटेड गिनीज रिकॉर्ड बाई लाइटिंग 11.71 लाख क्ले लैम्प्स इन 10 मिनट्स ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि 2022, तो इसका आंसर है A उज्जैन सिटी में ऐसा हुआ था। निखत जरीन एंड नीतू वर इन न्यूज़ फॉर विनिंग गोल्ड मेडल फॉर इंडिया विच इवेंट, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है B बॉक्सिंग। मेरी स्टार्टअप हब हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू फॉर्म अ कोहर्ट ऑफ 100 अर्ली टू मे द स्टेज इंडियन स्टार्टअप्स टू बिल्ड हाई क्वालिटी ग्लोबल एप्स एंड गेम्स एज पार्ट ऑफ द ऐप स्केल अकेडमी प्रोग्राम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C गूगल के साथ पार्टनरशिप करी है मैथ्री ने, ठीक है, आंसर है C गूगल। अकॉर्डिंग टू नाइट फ्रैंक 16 एडिशन ऑफ द वेल्थ रिपोर्ट 2022 इंडिया की रैंक क्या है बिलियनर में, तो मैंने अभी आपको बताया था इंडिया की रैंक है C थर्ड। आशनीर ग्रोवर हैज़ रिसाइंड एज द MD एंड डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ भारत पे। भारत पे वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो आशनीर ग्रोवर ने भारत पे कब बनाया था? इसका आंसर है B 2018। Who among the following has been appointed as the CEO of यश राज फिल्म्स, तो इसका आंसर है A अक्षय विधानी। Who has been appointed as the Managing Director MD and Chief Executive Officer CEO of LIC Mutual Fund Asset Management Limited, इसका आंसर है TS रामाकृष्णन। अनुभव इज़ अ मोबाइल कार शोरूम लॉन्च बाय विच ऑटो कंपनी फॉर इट्स रूरल कस्टमर्स, तो इसका सही आंसर है A टाटा मोटर्स। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।